वेलकम बैक टू माई चैनल। एक चटपटी सी चटनी बता रही हूँ मैंगो की, और जो कि मैंने कच्चे और पक्के दोनों को मिक्स करके आम को बनाऊंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं दोनों आम, जैसे ये देखिए दो मैंने ये वाले आम लिए पके हुए आम, इस साइज़ के दो, और इनको काट के ये रख लिया, और दो मैंने छोटे आम लिए कच्चे ये वाले ग्रीन, इनको भी मैंने छील कर अच्छे से धोकर और इनको काट लिया। मैं भी आपको काटना सिखाऊँगी। और इसके लिए हमें चाहिए मीठी चटनी बनाएंगे, इसके लिए चाहिए हमें आधा कप के करीब चीनी चाहिए, इसमें चाहिए आधा छोटा चम्मच काला नमक, चिली फ्लेक्स थोड़े से, और ये हमें चाहिए भुना पिसा जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा सिरका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देखा ये आम है, अम्बी है मतलब केरी कच्ची वाली, उसको आप ब्रिक ब्रिक काट लीजिए, अच्छी तरह धो के छील के इसको काटने, और दूसरे आम भी अच्छी तरह छील लेने हैं, हम धो लेने हैं, फिर हमने काटेंगे। अगर आप ऐसे ना कर जल्दी झटपट करना चाहते हैं तो एक मिक्सी के छोटे जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे हम, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने कद्दूकस नहीं करा है, इसको हमने ये पीस लिया है, सिर्फ जस्ट 40 सेकेंड इसको हमने मिक्सी में चला लिया है, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया कच्चे आम का। और इसी प्रकार ये जो पक्के आम है ये भी मैं इसमें चला लेती हूँ। तो मैं पक्के आम को भी मैंने जस्ट इसको भी 40 सेकेंड तक मिक्सी में घुमा लिया है, आप देख सकते हैं इसकी भी ये बिल्कुल बारीक नहीं बनानी, थोड़ी मोटे मोटे इधर उधर रहे। तो हमें इसको गैस ऑन कर दिया हमने और पैन में रख दिया गर्म होने के लिए, और इसमें ये हम आम पके हुए डालेंगे, और ये कच्चे हुए जो आम थे हमारे पास ये डालेंगे, और हमारे पास आधा कप के करीब चीनी वो डाल देंगे, और इसको धीमी आंच पे बिल्कुल इसको चलाते हुए पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और हमारे आम भी पक जाए। ये देखिए चीनी घुलने लगी है, तो ये अपना पानी छोड़ दिए, अब इसी में ये हमारे आम पक जाएंगे। बस ऐसे ही रहने, बिल्कुल दरदरे से होने चाहिए आम, थोड़े दिखने चाहिए, ना कि बिल्कुल प्यूरी बनानी है हमने। तो थोड़े से पक जाएंगे, फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, 1 से 2 मिनट पकाते हैं। 2 मिनट मैंने इसको चीनी और आम, जो कच्चे और पक्के दोनों आम थे, उनके साथ पका लिया, और आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल घुल गई है। अब हम डालेंगे इसमें, ये मेरे पास नमक है आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर भी आधा छोटा चम्मच है, ये डाल देंगे, और हम डालेंगे ये काला नमक है, चिली फ्लेक्स हैं, ये ऑप्शनल है अगर डालना चाहिए, और ये बिना भुना हुआ पिसा जीरा है, ये भी डाल देंगे। अब इसको कम से कम 2 से 4 मिनट तक हम लगातार अच्छे से आते हुए पकाएंगे, फिर इसमें हम सिरका डालेंगे, और ये हमारी 5 मिनट या 7 मिनट में चटनी बनकर आम की तैयार हो जाएगी। 2 मिनट और पका लिए, यानी कि टोटल इसको 6 मिनट मैंने पकाया है अभी। तो हम क्या करेंगे, 1 छोटा चम्मच के करीब सिरका डालेंगे इसमें। सिरका डालने से ये होगा कि एक तो ये ख़राब नहीं होगी, और इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, वैसे भी खट्टा मीठा ही आएगा हमारा, क्योंकि हमने कच्ची अम्बी भी डाली है, तो चीनी हम ज़्यादा, आप टेस्ट करके देख सकते हैं स्टेज पर, अगर आपको चीनी कम लगती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब किशमिश ये ऑप्शनल है अगर डालना चाहे तो, बहुत अच्छी लगती है इसमें, मैंने डाल दिए 1 बड़ा टेबल स्पून, और 1 मिनट इसको और पका लेते हैं, सिरका पक जाए तो मैं इसको गैस बंद कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी 8 मिनट में चटनी बनकर तैयार होगी आम की, कच्चे और पक्के आम दोनों मिक्स करके बनाई है, हम गैस बंद कर देते हैं, तो अब आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर दिया, और ये झटपट से 8 मिनट में हमारी चटनी भी आम की बनकर तैयार होगी। चटनी बनाइए, खट्टी मीठी कच्चे और पक्के आम की मिक्स चटनी बनाइए, खाइए, और मुझे बताइए आपको कैसी लगे। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तब डिसलाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।